अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We've only been here a few hours and we've seen half a dozen people die in front of us outside here. बीमारियों के बहुत स्टेज होते हैं। एक होता है एंडेमिक एंड दूसरा होता है पेंडेमिक। एंडेमिक ऑलमोस्ट हर कंट्री में पाया जाता है। ये बहुत तेजी से फैलता है मगर एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर एक कंट्री में फैल जाता है, ये किसी दूसरी कंट्री में इसका फैलना बहुत ही मुश्किल होता है और नामुमकिन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बात अगर हम करें मलेरिया, कॉलरा या स्वाइन फ्लू वगैरह जैसी बीमारियां होती हैं, ये एंडेमिक में आ जाती है। या बिहार में एक बीमारी ऐसी तरह की आती है, वो भी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है, बाकी एरियाज़ को ये इंडिया के बाकी स्टेट्स को ये कवर नहीं करती है। वहाँ के लोग जो होते हैं बाकी एरियाज़ के, उनको इफ़ेक्ट इससे कुछ नहीं होता है। और दूसरा होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो आहिस्ता आहिस्ता से सेपरेट हो जाती है, बट ये होल पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स को कवर कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इस आज की बीमारी की, आज के इस वायरस की, जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर कर चुका है, जिसने पूरे वर्ल्ड को तहस नहस करके रखा है। 2019 से स्टार्ट होने वाली बीमारी आज भी 2021 में बिल्कुल एग्जिस्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया आज की डेट में 2021 में ऑफिशियली एंटर हो चुका है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में। बात अगर हम इस कोरोना वायरस की करें तो इसकी फर्स्ट वेव का जो पीक लेवल था वो 2020 के सितंबर में आ चुका था। यानी उस टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता था डेथ्स या केसेस, कोरोना केसेस जो रिकॉर्ड किए जाते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आ जाते थे। उसके बाद से सितंबर 2020 के बाद से केसेस का जो रिकॉर्ड था, केसेस का जो डेटा था, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया अप टू मार्च 2021 तक। और मार्च 2021 से लेके आज की डेट तक केसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। 16 अप्रैल का जो डेटा है उस टाइम ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए। और आज कुछ ही दिन हो गए, आज 23 अप्रैल है, आज कुछ 5-6 दिन हो गए और आज 3 लाख केसेस के आसपास डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि अभी इस सेकंड लेवल ऑफ कोरोना वायरस है, जो सेकंड वेव है इस वायरस की, इसकी अभी कोई पीक लेवल नहीं आई है, बट फिर भी 3 लाख केसेस आते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही केसेस अगर आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया इस कोरोना की इस महामारी में सारे वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस सेकंड वेव का एक ट्विस्ट ये है कि ये हमारी यंगर जनरेशन पे ज़्यादा अटैक कर जाता है। यानी जो हमारा वर्क फोर्स है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन पे ज़्यादा, हमारे जो काम करने वाली जनरेशन है उस पे ज़्यादा अटैक कर जाता है एज़ कम्पेयर टू आवर ओल्डर जनरेशन। रिसर्च से ये पता चला है हालांकि ओल्डर जनरेशन पे ज़्यादा अटैक नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उनकी जो वैक्सीनेशन है वो हालांकि ऑलमोस्ट हो चुकी है, इस वजह से जो उनका इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा मजबूत हो चुका है। और इस बार का जो ये वायरस है, हमारी जो ये वेव है इस बार की, वो बहुत ही लीथल यानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इनफैक्ट हुई भी है खतरनाक, इससे बहुत डेथ्स हो रही हैं और हमारे केसेस भी बहुत ज़्यादा हद तक आ रहे हैं। अब खुद ही देखिए, जो हमारी फर्स्ट वेव थी कोरोना वायरस की, उसमें ऑलमोस्ट जो केसेस आते थे वो 1 लाख के आते हैं, एंड वो भी तब आते थे जब उसका पीक लेवल था। और सेकंड वेव देखिए, इसमें अभी पीक लेवल नहीं आया है और 3 लाख केसेस क्रॉस कर चुका है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आज की डेट में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यानी अगर पेशेंट 7 है तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बस 1 पेशेंट की। हॉस्पिटल्स की बात अगर हम करें तो इंडिया की जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है वो ओनली 15% हॉस्पिटल्स में चला जाता है, बाकी जो 85% है वो इंडस्ट्रीज में चला जाता है। सवाल पैदा होता है यहाँ पे अब कि
अगर कोरोना वायरस खत्म हो चुका था पिछले कुछ महीनों में, ये राइज कैसे होगा? अब ये बोलिए कि राइज कैसे नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस पे इतनी पब्लिक गैदरिंग होती है कि पूछो मत। हमारे जो टूरिस्ट गार्डन्स हैं, मुगल गार्डन्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, टूलिप गार्डन वगैरह है, वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। मास्क हमने टोटल अवॉइड ही की है, सोशल डिस्टेंसिंग हमने टोटल अवॉइड ही की है। इंडिया की बात अगर करें तो इलेक्शन रैलीज में इतनी पब्लिक गैदरिंग्स होती है। इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। सबसे पहली थ्योरी ये है कि लोग लापरवाह हो चुके हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड की है या लोग मास्क नहीं लगाते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि इस वायरस में म्यूटेशन इन्वॉल्व हुआ है, ये रिसर्च से रिसेंटली पता चला है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इस वायरस से हम बचें कैसे, हमसे इनिशिएटिव्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये वायरस रिड्यूस हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन किया जाए, बट मेरे ख्याल से अगर देखा जाए लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन है इस वायरस का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बात अगर प्रीवियस लॉकडाउन की करें तो उसमें सबसे बड़ा फेलियर रहा है। अब ये भी सवाल हमारे दिमाग में पैदा होगा कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है जिसकी वजह से वायरस की जो संख्या है, वायरस का जो हिसाब किताब है, वो ख़त्म हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। सोल्यूशन बड़ा एक ही है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं दे पा रही है तो हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट SOPs फॉलो करने चाहिए। हमारे जो मोदी जी हैं वो कुछ गलत नहीं सोच सकते हमारे लिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें SOPs फॉलो करने चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, अपने हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी चाहिए, मास्क बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए, चाहे 2, 3, 4 जितने भी मास्क हो उतने लगाने चाहिए हमें, ताकि हम अपने आप को बचा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना चाहिए वो ये है कि जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी खुद को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो हमें वैक्सीनेट करवाना चाहिए, ये नहीं कि मतलब हमें इससे कुछ हो जाए वो है ये है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें खुद को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। एंड हॉस्पिटल्स का वेलबींग है वो मेंटेन करवाना चाहिए, लाइक हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है अभी, वेंटिलेटर्स या बेड्स की कमी है अभी, उनको हमें इजाफा करवाना चाहिए। ये गवर्नमेंट से हमारी एक जनरल पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट है, ठीक है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो वो उस टाइम बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, बिजनेस क्लोजर हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हद तक बढ़ गया था, GDP कम हो गया था, तो इसकी वजह से ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी फिर से अगर लॉकडाउन हो गया तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया होगा तो सिर्फ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बस शेयर कीजिए इस वीडियो को जहाँ तक हो सके, मुझे नहीं पता कैसे करोगे बट शेयर होना चाहिए। और मिलते हैं नए वीडियो में अगर वायरस ने जिंदा छोड़ा, तब तक टेक केयर, बाय।